नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक विभाग। भौतिक विभागों में हमने पहले पढ़ लिया थार का मरुस्थल। अब हमारा अगला टॉपिक है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है आदि महाकल्प में प्री कैम्बियन काल यानी कि धारवाड़ समय में गोंडवाना लैंड से हुई है। ठीक है, इसका विस्तार है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.3%, और राजस्थान में यहाँ पे जनसंख्या रहती है 10%, और इसका विस्तार 7 जिलों में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह अरावली का मैप के अनुसार हमने बताया है। तो अरावली की जो टोटल लंबाई है वो शुरुआत कहाँ से होती है? पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल दिल्ली तक। पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल दिल्ली तक इसकी लंबाई है, वो टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। ठीक है, और ये राजस्थान में प्रवेश करती है खेड़ ब्रह्मा सिरोही से। यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है और अंत होता है खेतड़ी झुंझुनू। इसके बाद वह हरियाणा में होते हुए रायसीना दिल्ली तक चली जाती है। ठीक है, तो प्रवेश करती है खेड़ ब्रह्मा सिरोही से, और राजस्थान से बाहर कहाँ से निकलती है? तो खेतड़ी झुंझुनू से राजस्थान से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो अरावली को हमने 3 भागों में बांटा है। अरावली को 3 भागों में बांटा है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। ठीक है, नेक्स्ट आगे। राजस्थान में अरावली का विस्तार यानी कि सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो उदयपुर में है। न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है। ये सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है? तो ये सिरोही वाला क्षेत्र है, वो वहाँ पे सर्वाधिक ऊंचाई है। ठीक है, और न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में है। आगे अरावली की विशेषताएं, तो अरावली की विशेषताओं में हम देखते हैं कि यह विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। इसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहते हैं, तथा इसके अंतर्गत आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, जिसे ग्रेनाइट चट्टानें भी कहा जाता है। और इन आंतरिक आग्नेय चट्टानों में धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। अरावली में मृदा है लाल मृदा, जिसे पर्वतीय मृदा या इंसेप्टिसोल भी कहा जाता है, और इसका एक और नाम है लिथोसोल। नेक्स्ट है, यहाँ पे आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली भी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है गिरवा। दोस्तों गिरवा उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली जो अर्धचंद्राकार या तश्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं उनको गिरवा कहा जाता है। ठीक है, अगली है बाकर। बाकर जो कि पूर्वी सिरोही में स्थित एक तीव्र ढलान वाली जो पहाड़ियाँ हैं उनको बोलते हैं बाकर। अगला है मेवल। मेवल साथियों, बांसवाड़ा से डूंगरपुर के मध्य में स्थित पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? मेवल। नेक्स्ट है देशहरो। तो देशहरो में आता है उदयपुर में जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य वर्ष भर जो हरा भरा रहने वाला जो भूभाग है उसे बोलते हैं देशहरो। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में जो प्रमुख पठार है, अरावली में जो प्रमुख पठार है वो, तो सबसे पहले देखते हैं उड़िया का पठार। उड़िया का पठार है दोस्तों सिरोही में। उड़िया का पठार है कहाँ पे? सिरोही में पठार है। इसकी ऊंचाई है 1362 मीटर, और जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो उड़िया के पठार पर ही है। ठीक है, और इस पर माउंट आबू शहर बसा हुआ है। अगला है आबू का पठार, जो कि वो भी कहाँ पे है? आबू का पठार भी सिरोही में है। अगला है बोराट का पठार। बोराट का पठार दोस्तों गोकुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य में स्थित पठार है, जो कि कौन सा है? बोराट का पठार। अगला है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार बिजोल या भीलवाड़ा से बैसलगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। दोस्तों इस ऊपरमाल का नाम बिजोलिया रखा था किसने? अशोक परमार ने। ठीक है, अगला है भोमट का पठार। साथियों भोमट का पठार उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़े के मध्य स्थित जो पठार है उसको बोलते हैं भोमट का पठार, और यहाँ पे भोमट जाति निवास करती है। अगला है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार उदयपुर में उदयपुर से जयसमंद झील की ओर जाने पर जो पहाड़ पूर्व में स्थित पहाड़ है पठार है उसको बोलते हैं लसाड़िया का पठार। अगला है मेसा का पठार। दोस्तों मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर ही स्थित है। और काकनवाड़ी का पठार है अलवर में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अरावली का वर्गीकरण। तो अरावली को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार है जयपुर सीकर और झुंझुनू में। ठीक, इसकी एवरेज ऊंचाई है 450 मीटर। यहाँ की कुछ प्रमुख चोटियाँ है रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में स्थित है, यह 1055 मीटर ऊंचाई है। खोह जयपुर बेरांच अलवर
बरवाड़ा जयपुर, बबई झुंझुनू में। ठीक है नेक्स्ट साथियों, उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रा या नाल घाट स्थित नहीं है। यदि कोई क्वेश्चन आए कि उत्तरी ये दर्रा कहाँ पे स्थित है, अगर उसमें हमें उत्तरी अरावली का कोई भी जिला दिखता है तो सीधे हम ऑप्शन को उसको कट करके आगे देख सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट, अगला भाग है मध्य अरावली। मध्य अरावली का विस्तार है अजमेर में, ठीक, और इसकी औसत ऊंचाई है 550 मीटर। यहाँ की प्रमुख चोटियों में एक तो है मेरिया जी, जिसे टोटगढ़ भी कहते हैं अजमेर में, 933 मीटर, तारागढ़ और नाग पहाड़, ये इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। मध्य अरावली में प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पहला दर्रा है बर पाली, जहाँ से NH-14 गुजरता है। ठीक है, अगला है अरनिया अजमेर में, जिलवाड़ा अजमेर, पीपली अजमेर, सूरादरा अजमेर में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दर्रा है बर दर्रा, क्योंकि बर दर्रा पाली में एकमात्र दर्रा है जो कि मध्य अरावली का है। बाकी सब दर्रे कहाँ के, उसके दक्षिण अरावली में। ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं हम दक्षिणी अरावली। दक्षिण अरावली का विस्तार है सिरोही, उदयपुर और राजसमंद में। दक्षिण अरावली का विस्तार कहाँ पे, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद में। इसकी एवरेज ऊंचाई है 900 मीटर। यहाँ के प्रमुख दर्रे, यहाँ के प्रमुख दर्रे में देखते हैं, सबसे पहला दर्रा है देबारी उदयपुर। साथियों देबारी उदयपुर से NH-27 गुजरता है, NH-27, और इसका नया नाम क्या है, NH-48। ये कहाँ से गुजरते, देबारी दर्रे से। अगला है हाथी दर्रा। हाथी दर्रा भी कहाँ पे, उदयपुर से, और यहाँ पर भी NH-27 गुजरता है। अगला है फुलवारी की नाल, वो भी उदयपुर में है। केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल कहाँ पे, वो भी उदयपुर में है, और यह जैसमंद झील जाने का रास्ता है। अगला है देसूरी की, देसूरी, देसूरी कहाँ पे, पाली में, सोमेश्वर पाली में, सोमेश्वर है वो रणकपुर जाने का मार्ग है। और अगला है स्वरूप घाट, स्वरूप घाट भी कहाँ पे है, पाली में। ठीक, अब देखते हैं राजसमंद के जिले। तो राजसमंद जिले में आता है, एक तो है राजसमंद के नाल, नाल राजसमंद के जो दर्रे हैं उनको, तो राजसमंद के दर्रों में आता है गोरम घाट। कहाँ पे राजसमंद है, कमली घाट राजसमंद, और हाथी गुंडा, हाथी गुंडा या हाथी गुफा कहाँ पे है, राजसमंद में है। ठीक है, अब अरावली की सर्वोच्च 10 चोटियों के बारे में देखते हैं। इसकी ट्रिक है, गुरु से जरा, गुरु से दिल लगा कर जरा आशा बनाए रखो तारा बेरू बाबा। तो इसकी हम ट्रिक के अनुसार जिले देख लेते हैं। गुरु से दिल लगा कर जरा आशा बनाए रखो तारा बेरू बाबा। तो गुरु से हो गया गुरु शिखर, से हो गया शेर, दी से हो गया दिलवाड़ा, जरा से हो गया जरा जरगा, आशा से हो गया अचलगढ़, र से रघुनाथगढ़ सीकर, खो से खो जयपुर, तारा से तारागढ़ अजमेर, भैरू से भैरोच अलवर, बा से बबई, और अगले बा से बेराट जो कि जयपुर में है। गुरु शिखर से लगा करके अचलगढ़ सिरोही तक, अचलगढ़ सिरोही तक, ये सारी जो छोटी है वो कहाँ पे हैं, दक्षिणी अरावली में। रघुनाथगढ़ कहाँ पे, तो उत्तरी अरावली में। ठीक है, तारागढ़ मध्य अरावली में। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, जो कि राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, और इसके अंदर ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर की अगर ऊंचाई गिने तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1727 मीटर। इसे कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर भी कहा है, और इसका एक और नाम है हिंदू ओलंपस। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।